हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल का जो नोटिफिकेशन है वो तो आपका 10 तारीख को ही, 10 नवंबर को ही आ चुका था, लेकिन उसमें कुछ पोस्ट अपडेट हुई हैं 30 नवंबर को। तो उसके बाद से पोस्ट अपडेट का ये वीडियो है, इसमें हम इसके पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखने वाले इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो जैसा कि माय डियर मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पोस्ट का नाम क्या है, तो रेलवे ECR RRC पटना वेरियस ट्रेड अप्रेंटिसेस 2023 मतलब 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1851 पोस्ट। तो ये पोस्ट अपडेटेड हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका पोस्ट अपडेट का पोस्ट डेट या अपडेट जब हुआ है वो कब हुआ है, पहले ही बताया मैंने 30 नवंबर 2023 1:46 PM 1:46 पे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले इसमें, तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ECR मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो इंडियन रेलवे की है, उन्होंने क्या रिलीज़ किया है, आपका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। अप्रेंटिस के लिए पोस्ट कितनी है, 1851 पोस्ट हैं जो कि 2023 का एडवर्टीजमेंट है, और वो कैंडिडेट जो वेरियस स्टेट में अप्रेंटिस पोस्ट चाहते हैं वो नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ें और इसको दे सकते हैं। तो ये रहा आपका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि पहले बता चुका हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात की जाए माय डियर, तो इम्पॉर्टेंट डेट में अप्लीकेशन बिगिंस मैंने पहले ही बताया 10 नवंबर 2023, लास्ट डेट जो है वो 9 दिसंबर 2023 है 5 बजे तक, और जो पे एग्ज़ाम फीस भी सेम डेट है 9 दिसंबर 2023। अप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए 100 है, SC ST या फिजिकली हैंडीक्राफ्ट के लिए 0 है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 है। आप चाहें तो एग्ज़ाम फीस जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो रेलवे RRC ECR वेरियस स्टेट के लिए जो एज लिमिट है वो कब से देखी जाएगी, तो 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। मिनिमम एज आपकी 15 होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 15 और मैक्सिमम 24 होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ECR पटना के द्वारा होगा। नेक्स्ट आपका पोस्ट वाइज या वैकेंसी वाइज डिटेल में देखा जाए तो 1851 मतलब 1851 पोस्ट हैं टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो क्लास 10th हाई स्कूल होना चाहिए, मैट्रिक विथ ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड मतलब ITI मस्ट है, क्लास 10th हाई स्कूल के साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। और ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट जो फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे। और ये डिवीज़न यूनिट का नेम, टोटल पोस्ट देख पा रहे हैं तो जो धानापुर डिवीज़न है 675, पंडित दीनदयाल उपाध्याय 518, समस्तीपुर डिवीज़न 81। नेक्स्ट आपका है कैरिएज रिपेयर वर्कशॉप में 110 पोस्ट है। आगे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा तो आपका धनबाद डिवीज़न में 175 है, सोनपुर में 47 हैं, और आपका प्लांट डिपोट पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 135 और मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में 110। तो ये आपके टोटल पोस्ट होंगे माय डियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप हमारे चैनल द अल्फा।